मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा फटका महानायक बिब अमिताभ बच्चन यांना सहन करावा लागला मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात दरवाजा बंद कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ बिग बिगबिंगच्या हस्ते झाला हा कार्यक्रम दुपारी बारा वाजता सुरू होणं अपेक्षित होतं मात्र दुपारी साडेबारा नंतर हा कार्यक्रम सुरू झाला यावेळी उशिरा पोहोचल्याबद्दल आणि कार्यक्रमाला विलंब झाल्याबद्दल अमिताभ बच्चन यांनी उपस्थितांची माफी मागितली या कार्यक्रमात स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दरवाजा बंद अभियानाची माहिती देताना बिग बिनच्या नावाचा उल्लेख केला त्यांच्या याच उल्लेखाचा धागा पकडत लोणीकर यांना टोलाला गावला दरवाजा बंद योजनेपेक्षा लोणीकरांनी आपला जास्त उल्लेख केल्याबद्दल बिग बीन या कार्यक्रमात दुसऱ्यांदा उपस्थतांची माफी मागितली तसच या अभियानाचे श्रेय थेट जमिनीवर काम करणार आपण फक्त चेहरा असल्याचं बिग बी सांगायला विसरले नाही पहिले क्षमा चाहूँगा यहाँ पर थोडीशी यानिमित्त देर हो गई दो घंटे लगे जुहू से यहाँ आने में ट्रैफिक बहुत ख़राब था इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आदरणीय मंत्री जी ने बहुत ज्यादा प्रशंसा के पुल बांध दिए मुझे लगा दरवाज़ा बंद जो शब्द है वो कम आया अमिताभ बच्चन नाम ज्यादा आया इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं केवल एक चेहरा हूँ और एक आवाज़ हूँ लेकिन प्रत्येक ऐसे विषय पर जो कि समाज के लिए देश के लिए कार्य होता है उसमें मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग गांव-गांव में जा करके काम करते हैं जो कर्मचारी हैं जो स्वच्छाग्रही हैं जो बच्चों में जो स्कूलों में जो बच्चे हैं सरकार की तरफ से जितने अधिकारी हैं जो काम करते हैं श्रेय उनको जाना चाहिए मेरी तो केवल एक आवाज़ है एक चेहरा है